का एक है. आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक की समरी को क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगी शुरू करते हैं आज की अपनी करेक्टर्स जिसको समझना जरूरी है करेक्टर्स समझ में आएंगे तो आगे सारी सारी इसकी स्टोरी समझ में आ जाएगी बेसिकली ये जो शॉर्ट स्टोरी है या ये जो नॉन क्रिएटिव फिंक्शन है ये से, सेमी ऑटोबायोग्राफी है और फंक्शन भी है यानी इसको हम टोटल ऑटोबायोग्राफी भी नहीं कह सकते कि इसमें थोड़ा सा फिंक्शन का एलिमेंट्स भी है वैसे बेसिकली ये ऑटोबायोग्राफी है यानी जो हमारे राइटर्स हैं टोबैस तो उसने अपने लाइफ के बारे में इस नॉन क्रिएटिव फंक्शन के अंदर बताया है इसमें कुछ फंक्शन एलिमेंट्स भी यूज किए गए हैं स्टोरी को बेसिकली नाइनटीन एक स्मॉल टाउन एक पैसिक जो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट है उसके स्मॉल टाउन के अंदर इसकी सेटिंग रखी गई नाइनटीन फिफ्टीज़ के अंदर यानी यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी सेटिंग रखी गई है सो so, इसकी जो स्टोरी है या ये जो हमारे पास नॉन का टिफिक्शन है ये बेसिकली सारे से टू बेस्ट वुल्फ के लाइफ के बारे में है उसकी स्ट्रगल के बारे में कि उसने कैसे स्ट्रगल किया क्या क्या फेस किया तो ये सब आज की वीडियो में मैं क्लियरली समझाऊंगी सो so, सबसे पहले हम करैक्टर्स को देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास करैक्टर्स कौन से आ रहे हैं ताकि आप लोगों के सामने जो करैक्टर्स के नेम गुजर जाएं तो स्टोरी में समझने में इजी हो जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है जैक अभी ये जैक और टुबैस एक ही है मतलब टुबैस ने अपना नेम यहाँ पर जैक शो करवाया हुआ है रोज़ मैरी ये कौन है ये जैक की मदर है रोए रोज़ मैरी की जो है ये एक्स बॉयफ्रेंड था डिवेट ये डिवाइड जो है ये रोज़ मैरी का हस्बैंड है ठीक है सेकेंड हस्बैंड नॉर्मा स्किनर पर ये सारे सारे डिवाइड के बच्चे हैं सिल्वर टैलर ये जैक के फ्रेंड्स हैं कैथी मैरियम ये रोज मैरी की फ्रेंड्स टाइप्स हैं ये इसके साथ इकट्ठे रहते हैं चक बॉलगर जेरी हफ ये भी जैक के फ्रेंड्स हैं और जेफरी जैक का भाई है सो so, स्टोरी है कुछ ऐसी कि जैक जो है ये टोबैस जो है ये अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है कि उसने अपने मदर के साथ वो कौन कौन सी जगह पे गया और कैसे लाइफ गुजारे और उसके स्टेप फादर इसके साथ कितना जुल्म करते उसके ऊपर या इसकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल थी वो बताया गया है सो so, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कि जो रोज़ मैरी है ये अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़कर छोड़कर अपने बच्चे जैक के साथ फ्लोरिडा से अटाह आई अब ये क्यों आई अटाह फ्लोरिडा को छोड़कर क्योंकि इसका जो हस्बैंड था रोज मैरी का जो हस्बैंड था जैक का फादर ये इसके ऊपर जुल्म करता था इसको अब्यूज़ करता था यानी अच्छा सलूक नहीं करता होता था इसको गाले में निकालता था मारता भी था ये वो सो इसने इसको छोड़ा और अपने बच्चे के लाइफ को सेट करने के लिए यानी जैक की लाइफ को सेट करने के लिए ये जो है वो कहाँ चली गई थी ये आ गई थी अठा आ गई थी ताकि ये यहाँ पर अठा में आकर कुछ काम कर सके और अपने बेटे की लाइफ को सिक्योर कर सके सो so, जब ये यह यहाँ पर आई तो इसे ये यूरियम करने आई थी अब ये यह यहाँ पर आके इसे वो वर्क तो नहीं मिला बट इसकी मुलाकात रॉय से हो गई थी अब ये जो एक्स इसका बॉयफ्रेंड था रॉय ये रोज मैरी से मिलता है जैक से मिलता है इनके पास रहना स्टार्ट कर देता है जैक जो है इसके साथ अच्छी इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है रॉय के साथ लेकिन ये सिक्योर फील नहीं करता तब सिक्योर फील नहीं करता जेलसी फील करता है जब रॉय जो है वो रोज मैरी के पास आता है ठीक है तो यहाँ पर हमें एडवर्स कम्पलेक्स नज़र आया तो इसके बाद जो है वो रॉय क्या करता है एक राइफल देता है वेंचेस्टर किसको जैक को क्यों देता है ये कहता है कि तुम प्रोटेक्शन कर सकते हो अब ये जैक फील करता है कि भाई मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ मेरे पास राइफल आ गया तो इसकी मदद इसको पहले तो अलाउ नहीं करती और ये आ, कब देता है इसको ईस्टर में देता है रॉय ईस्टर के मौके पर इसको ये देता है यानी राइफ़ल देता है जैक को रोज मैरी लेने से पहले तो इनकार कर देती है कि भाई नहीं लेना लेकिन बाद में जैक जो किसी तरीके से मना लेते मना लेते है अपने मदर को और फिर ये कहता है प्रॉमिस करता है कि भाई मैंने ये जो राइफल है इसको तब यूज़ करूंगा जब यानी रोज मैरी या रॉय दोनों में से कोई मेरे पास होंगे तब मैं इस राइफ़ल को यूज़ करूँगी तो एक दिन राइफल को ये साफ़ कर रहा था कथे कथे अपने साथ लेके बाहर चला गया जब ये बाहर गया तो ये अपने मुंह से वैसे ही उसकी शू शू की आवाज़ निकाल रहा था यानी गोली चलाने की जैसे आवाज़ होती है वो निकालने की कोशिश करते वैसे ही निकाल रहा था अपने मुँह से और इसको देख जो पुलिस वाले थे वो हंसना शुरू हो गए इसके बाद इसने क्या कि गुलहरी को जो है वो उसके ऊपर अटैक कर दिया और गुलहरी की डेथ हो गई यानी इस पर राइफ़ल जो है वो चला दी इसने गुलर के ऊपर इसे बहुत दुख हुआ ये रोने लग गया कि मैंने ऐसा क्यों किया मैंने गलत किया इसके बाद जैक जो है वो घर आ जाता है और इसकी मदर भी रोज मैरी भी रॉय के साथ जो है कंफर्टेबल फील नहीं करती और ये कहती कि रॉय जो है वो हंटिंग पे चला जाता है तो ये अपने बेटे से कहती है और पैकिंग स्टार्ट कर देती है कि भाई हम इस जगह को छोड़कर कहीं और जाएंगे तो ये पैकिंग करती है और एक और जगह पर चले जाते हैं सिटली चले जाते हैं अब ये सिटली जब जाते हैं तो जैक के वहाँ पर न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं सिल्वर टेलर नेम के फ्रेंड जो है इसके बन जाते हैं ये बहुत आवारा होते हैं क्लब्स जाते हैं लड़कियों में बैठते हैं मीन्स के गर्ल्स को बसाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं तो जाहिर बात है इसका इंपेक्ट जैक के ऊपर भी हमें नज़र आएगा सो so, रोज मैरी जो है वो अब क्या करती है एक बाउंड हाउस के अंदर रहती है यानी कंबाइंड हाउस कह सकते हैं जॉइंट हाउस कह सकते हैं रहती है किसके साथ कैथी और मैरियम के साथ अब कैथी और मैरियम जो है ये भी इनके साथ ये दो वीमेंस थी जो कि जैक लॉन्ग के साथ यानी जो रोज मैरी इनके साथ रहती है वहाँ रहती हैं दोनों अब ये दोनों इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है कैथी और मैरियम और ये इससे भी कहती हैं यानी रोज मैरी से भी कहती है कि तुम भी डेटिंग जो है वो स्टार्ट कर दो ठीक है तो ये भी डेटिंग स्टार्ट कर देती है किसके साथ डिवेट नाम के मर्द के साथ रोज मैरी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देती है अब रॉय को इतना ज़्यादा खतरा नहीं था डिबेट से इस लगता था ये डिबेट जो है ये क्योंकि खुद मैरिड था पहले इसकी शादी हुई हुई थी तो इससे उसके बच्चे भी थे तो इसे लगा कि भाई ये मेरी माँ इसको घास नहीं डालेगी मीन्स कि इसके, इसके ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकती इंट्रक्शन नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एक अलग ही इसकी नेचर है ना डिबेट की लेकिन उसके बाद रोज मैरिज कुछ दिन बाद बताती है अब ये रोज़ जो डिबेट है ना ये चिनोक का रहने वाला है अब इसके अपने तीन बच्चे हैं चिनोक का ये रहने वाला है सो रोज़ मैरी एक दिन अपने बच्चे को बताती है अपने बेटे को जैको के जो डिबेट है इसने क्या किया है इसने मुझे प्रपोज किया है ठीक हो गया यानी रोज मैरी को किसने डिबेट ने प्रपोज कर लिया अब जैक को ये भेजती है कि तुम जाके चिनोक जाओ और डिबेट के बारे में मालूम करने की कोशिश करो कि क्या मैं डिबेट के फैमिली के अंदर एडजस्ट कर सकती हूँ कि या नहीं तो जैक जाना तो नहीं जाता अपनी माँ को छोड़ के जाना नहीं चाह रहा लेकिन ये मजबूर अपनी माँ की बात इस ये टाल भी नहीं सकता तो ये जाता है चिनोक और वहाँ पर इससे डिबेट का एक और ही चेहरा नज़र आता है एक और ही साइड नज़र आती है वो कैसे यानी डिबेट इंतहाई एक लें सख्त इंसान था क्रूर इंसान था, था अपने बच्चों के ऊपर भी जुल्म करता था और मतलब के दबा के रहने वाला रखने वाला था दूसरों को सो so, ये डिबेट इसके ऊपर जैक पर भी काफ़ी जुल्म करता है और जाते जाते मतलब ये ये जैक जो है वो एनिमल लवर था तो डिबेट क्या करता है खुद ब खुद जानबूझ के ये अपनी गाड़ी से जो है वो एक एनिमल को पुश कर देता है मीन्स के उसको मार देता है तो इस बात पर जैक को बहुत दुख होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता इसके बाद डिबेट जो है वो आधी रात जाके क्लब बैठता है मीन्स के शराब पीता है बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है ड्रिंकिंग के हालत में जैक को घर लेके जा रहा होता है मीन्स के जैक को बहुत बुरा बुला भी कहते हैं तुम बुजदिल हो तुम फ्लाओ मतलब गलत बात कहता है जैक से बहुत ज्यादा जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन खैर कुछ कर नहीं सकता अब वहाँ पर ये जब उनके घर सिबली डिबेट के बच्चे थे स्किनर और पर्ल इनसे जब मिलता है तो इन्हें इसे पता चलता है कि ये तीनों बच्चों के ऊपर इसका बाप का बड़ा असर पड़ा हुआ है मीन्स की बहुत ज्यादा वो डरे हुए हैं अपने बाप से बाप इनको इन पर बहुत ज्यादा तशद करता है जुल्म करता सो खैर स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ती है और डिबेट और जो रोज मैरी इनकी आखिर शादी हो ही जाती है डिबेट जैक के ऊपर बहुत ज़्यादा करता है इंतहा का जुल्म करता है इवन कि उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी एक फिंगर के ऊपर वो इंजर्ड भी हो जाता है सो अब वो चाहते हैं रोज़ मैरी अपने भाई को ख़त लिखती है और बताती है सिचुएशन और इसका जो यानी जैक है जो जैक था वो चाहता था कि वो उस अपने अंकल के पास चला जाए और मतलब ये पूरी फैमिली मूव कर जाए किसी तरीके से जैक की मदर कहती है अपने भाई से कि हमें किस तरीके से यहाँ से निकालने की कोशिश करें और मुझे फ़्रांस लेके जाए ठीक तो अब इसके भाई कहाँ पर रहता है पैरिस में रहता है तो ये इसका जो स्टेप फादर है जैक का डिवीट ये डिवाइट से कहता है कि भाई ठीक है तुम चले जाओ तुम अपने अंकल के पास चले जाओ मेरा घर छोड़ दो लेकिन जैक ये भी नहीं कर सकता था जैक अपनी मदर को अकेला नहीं छोड़ सकता था सो जैक क्या करता है वहां जाने से इनकार करता इसका अंकल जो है वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगा मैं तुम्हारे अखराज उठाऊंगा मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा ये वो लेकिन जैक नहीं मानता जैक अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं जाता इसके बाद होता क्या है स्टोरी के अंदर टर्न आता है नॉर्मा जो है वो इंगेज हो जाती है नॉर्मा कौन डिबेट की डिवाइट की बेटी और इसकी जैक की स्टेप सिस्टर नॉर्मा इसकी इंगेजमेंट हो जाती है कैंट के साथ उसके बाद इसकी शादी हो जाती है और ये शादी के बाद इस बंदे को कैंड को मिलवाने लेकर आते अपने फैमिली के साथ और इसकी फैमिली जो है ये नहीं से मिलवाने आती है और इसके बाद जो है इसी तरीके से स्टोरी आगे टर्न होती है जैक जब वो ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देता है जैक के ऊपर क्योंकि जैक इसी इसमें था इंतज़ार में था वेट में था कि कभी तो उसकी लाइफ सेट होगी उसकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी सारा कुछ लेकिन वो इस वेट में ही होता है कि उसकी लाइफ और ज़्यादा ट्रबल में फंसती जाती है और ज़्यादा ट्रबल में आता जाता है इसलिए खैर गलत लड़कों के साथ बैठता फ्रेंड्स के चेक बॉलगर और जैर हफ तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब लड़के थे ये भी शराब वगैरह पीते थे तो जैक ने भी ड्रिकिंग इनके साथ स्टार्ट कर दी आवारा होता गया इसके बाद एक दिन जो ड्विथ है उसने इंतहा का मारा जैक को और जैक ने सारी सारी स्टोरी जैफरी को बता दी जैफरी कौन है इसका भाई जैफरी को सारा बता दिया कि इस तरीके से हमारी मदर ने जो है वो शादी कर ली और देन आप हमारे जो स्टेप फादर है वो हम पर मुझ पर बहुत जुल्म करता जैफरी जो है वो कहते कि वो अपने भाई की हेल्प करेगा हर हाल में आपको यहाँ से निकालेगा आप ऐसे करें डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें जैक जो है हाई स्कूल टाइम लेवल पर था ये तो जैक जो प्रीवियस स्कूल में इसका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं था तो ये जाना चाहता था पहले वाले स्कूलों में तो ये चाहता था कि मैं किसी और स्कूल में अप्लाई करूं चुराता है वो डिफरेंट उसमें अप्लाई करता है जब यह अप्लाई करता है स्कूल एक स्कूल दिल स्कूल के अंदर ये जाना चाहता है और उसमें वही अप्लाई करता है तो वहां का जो था प्रिंसिपल मिस्टर हॉवर्ड वो इसे कंटेक्ट करते जैक से और बहुत ज्यादा खुशी होती है इस बात पर जैक एक अच्छा लड़का भी ये वो तो वो वेलकम करना चाह रहा होता है जैक को इसके बाद इसकी वो जो फिंगर जो इसके स्टेप फादर ने डवित ने जैक की फिंगर को इंजर्ड किया था उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और जैक और ड्वित्त की किसी बात पर फिर लड़ाई हो जाती है और उसकी वो फिंगर और ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और ये हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है कौन जैक ये जैक की लाइफ के बारे में स्टोरी में बताया हुआ कि जैक की लाइफ कितनी ट्रबलिंग है सो so जैक की फिंगर जो है फिर वो अब ये हॉस्पिटलाइज हो गया इसके बाद जैक की जो मदर होती है रोज मैरीज वो चाहती है कि मैं किसी भी तरीके से अपने बेटे को इस से जुल्म से बाहर निकालू यानी जो मेरा स्टेप हस्बैंड जो है मतलब जो मेरा हस्बैंड है इसका जो स्टेप फादर है वो जितने जुल्म कर म करे जुल्म से इसको बाहर निकालना चाहिए तो वो जैक के एक जो दोस्त है बॉलगर चक बॉलगर उसकी फैमिली से बात करता है उनकी मिनतें करती है ये कि भाई किसी तरीके से मेरे बेटे को अपने पास रख लो तो वो मान जाते हैं अब चेक बॉलगर्स के और जैक जो है वो दोनों एक ही घर में रह रहे हैं सो ये दोनों फ्रेंड्स जो है अब और ज़्यादा ट्रबल में आते जाते हैं ट्रबल में कैसे चैक बॉलगर एक ट्रबल में फंस जाता है एक लड़की के चक्कर में मींस ये कि एक लड़की जो है वो कहती है कि भाई मैं आपके बच्चे मतलब आप प्रेगनेंट हूँ और ये किसकी वजह से हूँ चेक की वजह से हूँ और चेक जो है वो मुझसे अब शादी करे वरना मैं इसके ऊपर केस कर दूंगी रेप का सो so, जो जैक है वो नहीं मानता वो कहता कि मुझ पर मैं जेल काट लूँगा ये कर लूँगा वो कर लूँगा लेकिन मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगा सो so, इसी तरीके से इसकी अब क्या करते हैं जो जैक की फैमिली है जक फैमिली या बॉलगर फैमिली जो है वो इसको जैक को भी बाहर निकाल देती है और जैको भी जैक की मदर फिर इसकी बहुत ज़्यादा मिन्नते करती है कि भाई किसी तरीके से मेरे बेटे का कोई और ठिकाना नहीं है इसे अपने पास रख लो सो so, ये इसके पास रहता ही है जैक इसके बाद जैक को जो है वो गुड न्यूज़ मिलती है कि उसका एडमिशन हो गया है एडमिशन का जो मसला था वो हल हो गया है इसका एडमिशन हो गया है वो हिल स्कूल में और स्कॉलरशिप पर हुआ है फुल स्कॉलरशिप के ऊपर सेकेंडली जो चक है वो भी इससे जो है वो सिचुएशन से बाहर निकल आता है जब जेरी हफ जो है वो उसकी वो जो गर्ल थी जिसने चेक के ऊपर इल्जाम लगाया था या चेक के ऊपर वो बात करती है कि मैं रैप का केस कर हूँ खिलाफना तो वो जेरी हफ उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है जेरी हफ कौन था ये इनका फ्रेंड था चक और जैक का फ्रेंड था वो उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते तो ये मसला भी हल हो गया अब जैक जो है उसका एडमिशन भी हो गया वो स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ भी रहा है इसके बाद ये कैलिफोर्निया चला जाता है अपने फ़ादर के पास और अपने ब्रदर के पास कैलिफोर्निया जब भी कैलिफोर्निया जाता है इसके फ़ादर जो है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो घूमता फिरता है ये वो सो इसके फ़ादर जो है वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और वो इसके फ़ादर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं इट्स मीन्स कि यहाँ पर फादर और सन के अंदर दोबारा जो है वो स्पेस नज़र आई है मीन्स के डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ते गए सो so, ये अपने भाई के साथ बड़ा हैप्पी रहता है वहाँ पर फिर उसके बाद जो है इसकी इनकी जो मदर होती है जैक की जो मदर होती है वो भी इसके पीछे पीछे अपने बेटे के पीछे पीछे ईस्ट आ जाती है और इसे वाशिंगटन के अंदर डीसी के अंदर इसको जॉब मिल जाती है ये जॉब करती है वहाँ पर और जो जैक है उसको एक्सपेल कर दिया जाता है स्कूल से निकाल दिया जाता है क्यों निकाल दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल वालों को हफ्कीत पता चल जाती है कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे फेक है यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके बनाए गए वो फेक हैं तो इसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है अब इसके बाद ये जो है वो जैक क्या करता है आर्मी को ज्वाइन कर लेता है सो so, ये इसकी होल लाइफ के बारे में की स्टोरी कि जैक ने कितना ट्रबल किया उसके फ़ादर ने उसके साथ कितना गलत किया उसकी मदर ने भी कहीं ना कहीं उसके साथ गलत किया तो उसने दूसरी शादी कर ली जिससे उसकी लाइफ और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई सो so, उसकी सारी सारी सिचुएशन और स्कूल टाइम पर उसके साथ क्या हुआ एक दो की कंपनी में वो किस तरह गलत रास्ते पे चला गया सो so, ये सब इस जो है वो नॉन क्रिएटिव फंक्शन के अंदर डिस्कस उसने किया हुआ है सो डे सोन से वीडियो अबाउट दिस बॉयज लाइफ आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये इस टॉपिक के समे क्लियर हो गई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अला हाफिज